चोर कौन? बहुत पुरानी बात है, सुंदर नगर में सोमा नाम की औरत अपने पति रमेश और चार बेटों के साथ रहती थी। सोचती हूँ बुढ़ापे से पहले ही चारों धाम कर लेती हूँ, फिर हाथ पैर साथ दें या ना दें। अरे भगवान, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो, मुझे भी तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सोच रही थी अगले महीने तीर्थ यात्रा पर चले तो कैसा रहे। वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, पर बेटे अकेले कैसे रहेंगे? देखिए जी, हमारे यहाँ ना रहने से ही वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन क्या हुआ सोमा, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ अपने सोना चांदी और पैसों को कहाँ रखूं, जिससे वो सुरक्षित रहें। ठीक है, तुम कुछ करो, तब तक मैं शहर से कुछ जरूरी सामान लाने जा रहा हूँ। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। और सोमा पूरा सोना चांदी और रुपया पैसा लेकर बाजार गई और उस सब के बदले सोने की चार ईंटें बनवा लाई और भगवान के सिंहासन के चारों पायों के नीचे एक एक ईंट गड़ा दी। अगले दिन उन्होंने चारों बेटों को बुलाया और कहा, देखो, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, 2 महीने बाद लौटेंगे, तब तक तुम लोग घर का ध्यान रखना। या। और हाँ, ठाकुर जी की पूजा रोज करना। हाँ माँ, आप निश्चिंत होकर जाए। या। घर की चिंता बिल्कुल मत करना। बिल्कुल, हम घर का ध्यान अच्छे से रखेंगे, ठाकुर जी की पूजा भी रोज करेंगे। बेटों ने पैर छुए और अब वो दोनों निश्चिंत होकर घर से चल पड़े। 2 महीने बाद जब वो तीर्थ यात्रा पूरी करके घर आए तो सोमा ने अपनी सोने की ईंटें खोजी, लेकिन वो तो वहां थी ही नहीं। हाय, मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, क्या करूं? रोना सुनकर रमेश अंदर आ गया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे यही तो रखी थी, कहाँ गई मेरी ईंटें, किस नाज पीटे ने चुरा ली। चारों बेटों को बुलाकर पूछा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिर रमेश गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी बहुत अनोखे तरीके से लेकिन हमेशा सही फैसला लेते। पूरी बात सुनकर उन्होंने कहा, रमेश तुम तो हाल ही में तीर्थ करके आए हो, इसलिए आज रात का खाना पूरे परिवार के साथ यहाँ हवेली में खाना। या। अब सब मुखिया जी के घर पहुँचे। खाना खाने के बाद मुखिया जी बोले, हमारे घर का नियम है कि सोने से पहले एक कहानी जरूर सुनाई जाती है, क्या तुम लोग भी सुनना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। तो सुनो, किसी जमाने में 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, वीरेंद्र और विक्रम। उनकी दोस्ती की कसमें खाई जाती थी। एक बार वीरेंद्र ने अपने दोस्त की परीक्षा लेना चाहा। दोनों दोस्त रात में बैठे हुए थे कि अचानक, क्या तुम अपनी कोई भी चीज मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। पिछले महीने तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है और आज मेरा मन कर रहा है कि नरम इंसानी मांस खाऊं।
क्या तुम मुझे अपना बेटा दे सकते हो? अभी लाता हूँ दोस्त। कहकर विक्रम घर की तरफ चल दिया और रोते हुए पत्नी सीता को सारी बात बताई। आपको हर हाल में अपना वचन निभाना चाहिए, ये लीजिए अपना बेटा। पर बेटे को हाथ में लेते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो उसे वापस पत्नी की गोद में डाल देता है। आप परेशान ना हो, मैं ही चली जाती हूँ, आपका वचन टूटना नहीं चाहिए। और फौरन बेटे को लेकर विक्रम के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे दो चोर मिले और उसे चाकू दिखाकर बोले, जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। भैया अभी मैं जल्दी में हूँ, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वचन देती हूँ लौट कर अपना पूरा जेवर तुम्हें सौंप दूंगी। चोरों ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। उधर विक्रम की पत्नी को सामने देखकर वीरेंद्र बोला, तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो और ये तो मेरा भांजा है। मैं तो विक्रम की परीक्षा ले रहा था और वो सफल हुआ है। फिर ढेर सारा धन दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम दोनों को तोहफा है, अब तुम घर जाओ। सीता खुशी खुशी अपने घर चल दी। रास्ते में उसे फिर से चोर मिले। उन्हें देखकर सीता ने कहा, भैया आप मेरे सारे जेवर ले लो, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। चोरों ने उनकी ईमानदारी देखते हुए कहा, नहीं बहन तुम जाओ, एक घर तो भूत प्रेत भी छोड़ते हैं, तुमने तो हमें भैया कहा है। इस तरह वो अपने घर आ गई। सबने कहा, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी। अब मुखिया जी ने रमेश के बेटों से कहा, तुम लोग बारी बारी से बताओ कि इनमें से सबसे महान कौन है और क्यों है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महान विक्रम है, क्योंकि दुनिया में सबसे प्यारा कुछ है तो वो अपना बेटा है, पर वचन पूरा करने के लिए उसने बेटा भी दे दिया। मुझे लगता है कि चोर ही सबसे महान है, इतनी आसानी से भला कोई हाथ आया माल छोड़ता है कभी। मुझे लगता है सीता सबसे अधिक महान है, क्योंकि वचन तो विक्रम ने दिया था पर उसने निभाया। मुझे लगता है वीरेंद्र सबसे महान है। मुझे लगता है वीरेंद्र सबसे महान है, क्योंकि उसने परीक्षा तो ली लेकिन कोई भी गलत फायदा नहीं उठाया, उल्टा उसे अपना भांजा माना। पक्का तुम्हारे मंझले बेटे ने ही सोने की ईंटें चुराई है। वो कैसे? क्योंकि बाकी सब ने अच्छे लोगों का पक्ष लिया लेकिन उसे चोर ही भले लगे, तभी शायद कहा गया है, चोर चोर मौसेरे भाई। घर जाकर जब सबके सामान की तलाशी ली गई, तो मंझले बेटे के सामान में से चारों ईंटें निकली। शिक्षा, संगत से लोगों के स्वभाव का पता लगता है, अतः हमेशा अच्छी संगत का चुनाव करें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।